हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं बनाऊंगी चाप, सोया चाप। तो मैंने यहाँ पर चाप के देखी कुछ, मतलब इस तरह से इनको स्टिक से निकाल के मैंने यहाँ पर इनको कट कर दिया है। अब मैं इनको हल्का सा, जैसे कढ़ाई में मैंने तेल जैसे गर्म कर लिया है, तो अब मैं इनको हल्का सा थोड़ा सा शैलो फ्राई हल्का सा कर दूँगी इसको। थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे हो गए हैं फ्राई। अब मैं इनको एक बर्तन में यहाँ पर निकाल लूँगी गरम गरम। यहाँ मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डाल दूंगी गरम गरम में। ऊपर से डाल दूंगी मैं यहाँ पर दही 2 चम्मच। अब आप यहाँ पर कुछ मसाले डाल दीजिए। मसाला, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला। अब आप इसे मैरिनेट करने के लिए इस तरह से इसे मैरिनेट कर दीजिए इस तरह से। मैरिनेट करके आप इसको हल्का सा छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर मैंने जो है एक कढ़ाई में प्याज काट के रखे हुए हैं। प्याज मैंने कुछ ज्यादा ले लिए हैं, थोड़े से कम कर देती हूँ। आप यहाँ पर प्याज को हल्का सा पहले ब्राउन कर लीजिए। प्याजों को आप हल्का सा पहले ब्राउन होने दीजिए। यहाँ पे देखिए मेरे प्याज जो है मतलब हो रहे हैं ब्राउन। तब तक मैं जो है यहाँ पर टमाटर की एक प्यूरी बना लूंगी। इसे मैंने टमाटर डाल के रखे हुए हैं। देखिए इस तरह से मैं टमाटर की यहाँ पे प्यूरी बना लेती हूँ। टमाटर की जो प्यूरी है मेरी देखिए रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको मिक्सी जार में डाल दूंगी। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए। अब आप इसको हल्का सा पकने दीजिए। इसमें हल्के से मसाले डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक, क्योंकि आप चाप में भी डाल चुके हैं तो आप थोड़ा कम कम डालिए। लाल मिर्च, गरम मसाला, सारे मसाले देखिए मैंने इसमें डाल दिए हैं। कस्तूरी लाल मिर्च और कस्तूरी मेथी और तेज पत्ता मैंने इसमें डाल के यहाँ पे इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। और चाप यहाँ पे देखिए मेरी मैरिनेट हो चुकी है अच्छे से। और यहाँ मेरे प्याज जो हैं बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको जो है
एक मिक्सी जार में डाल के इसको हल्का सा पहले ग्राइंड कर दूंगी। देखिए मैं आप ग्राइंड कर लीजिए। पूरा पेस्ट बना लेती हूँ। ये पेस्ट देखिए मेरा बन चुका है प्याज का। अब मैं इसमें ये प्याज का पेस्ट भी डाल दूंगी। आप थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ये हमारी रेस्टोरेंट जैसी रेसिपी बन गई है। अब आप इसको गैस का फ्लेम हल्का सा धीरे कर तेज कर लीजिए ताकि इसमें बबल आ जाए। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी ग्रेवी जो है बन के तैयार हो चुकी है। अब आपने जो सोया इसमें करा था मैरिनेट, अब आप इसमें सोया ये डाल दीजिए सारा। अब आप पहले थोड़े तरीके से इसको बबल आने दीजिए। देखिए ये बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें लास्ट ये ऊपर से जो है एक हल्का सा मैगी मसाला डाल दूंगी ताकि मतलब अच्छा सा स्वाद आ जाए। कलर देखिए आप कितना ज़्यादा प्यारा आया है। ये बन गई आपकी मसाला सोया चाप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। और इसके जो है अंदर तक चाप के अंदर तक देखिए ये टेक्सचर जो है इसके अंदर तक आपका चाप में मसाला चला गया है। और ये सब्जी ने देखिए अपना तेल भी छोड़ दिया है। तो ये बन के रेडी हो चुकी है। आप भी इसको खाइए और इन्जॉय कीजिए। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये सोया चाप किस तरह से लगी। थैंक यू। एंजॉय।